हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन पाथवे सो दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ पेन प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट वन एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने बताया था कि पेन क्या होता है पेन के डिफरेंट टाइप्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशं एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेन सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल पाथवे ऑफ पेन या फिर पेन फिजियोलॉजी सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो द जनरल पेन पाथवे जनरल पेन पाथवे या फिर आप बोल सकते हैं पेन फिजियोलॉजी सो पेन कैसे अगर होता है अगर भी हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जैसे किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इंजरी होती है तो हमें पेन फील होता है सो so ये पेन हमें कैसे फील होता है इसका पूरा पाथवे क्या है प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे सो so उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे जिससे पेन पाथवे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा सो स्टार्ट सो so, सबसे पहले आता है पेन रिसेप्टर्स या फिर नोसी सेप्टर्स क्या होते हैं सो पेन रिसेप्टर्स या फिर नोसी सेप्टर्स बेसिकली क्या है हमें पता है कि कुछ न्यूरो सेंसरी न्यूरोस होते हैं विच आर असेंडिंग न्यूरो कुछ न्यूरोस क्या होते हैं मोटर न्यूरोस होते हैं विच आर डिसेंडिंग न्यूरोस सो सेंसरी न्यूरोस क्या करते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं और वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं अब ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है ब्रेन मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन वापस भेजता है और हमारी बॉडी उस सेंस के लिए रिएक्ट करती है सो बेसिकली नोसी सेप्टर्स क्या हैं दीज आर द फ्री नर्व एंडिंग्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन क्या है न्यूरोन so हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन यहाँ पर फर्स्ट इसलिए मैंशन किया है क्योंकि पेन पाथवे में थ्री न्यूरोन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम फर्दर डिटेल में देखेंगे कौन कौन सा न्यूरोन इन्वॉल्व होता है सो so, जो फर्स्ट न्यूरोन होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन वो बेसिकली क्या है एक सेंसरी न्यूरोन है जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा पेन इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाएगा नाउ ये सेंसरी न्यूरोन के जो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं उस फ्री नर्व एंडिंग्स को क्या बोलते हैं नोसी सेप्टर्स जो कि क्या है पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स का मतलब है कि जो पेन को सेंस करते हैं कहीं भी इंजरी हुई है सपोज हमारी फिंगर पर कट लगा है तो वहां पर क्या प्रेजेंट है नोसी सेप्टर्स प्रेजेंट है जो उस कट को सेंस करते हैं देन वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाते हैं सो so ये यहाँ पर मैंने एक सेंसरी न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है ताकि आपको नोसी समझ आ जाए क्या है सो so ये बेसिकली उसकी सेल बॉडी है सेल बॉडी के बाद जो इसका एक्ज़ोन होता है वो टू ब्रांचेस में डिवाइड होता है सो so, जो ये वाली ब्रांच है ये क्या है पेरिफेरल ब्रांच एंड जो ये वाली ब्रांच है जो उस साइड जा रही है ये क्या है सेंट्रल ब्रांच सो so, जो पेरिफेरल ब्रांच है ये क्या है हमारी पेरीफ्रीज में जाती है हमारे बॉडी टिश्यूज में जाती है ऑर्गन्स में जाती है ये पेरीफेरल ब्रांच है तो पेरीफ्रल ब्रांच के एंड पर ये क्या है फ्री नर्व एंडिंग्स सो दीज आर द फ्री नर्व एंडिंग्स और इसको क्या बोलते हैं नोसी सेप्टर्स जो कि पेन को सेंस करती है सो so पेरीफ्रल ब्रांच पर फ्री नर्व एंडिंग्स है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन सो so ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन नाउ जो इसकी दूसरी ब्रांच है एक्जोन ही है ये भी ये जो दूसरी ब्रांच है ये क्या है सेंट्रल ब्रांच ये सेंट्रल ब्रांच इसलिए है क्योंकि ये कहाँ तक जाएगी हमारे स्पाइनल कोड से होते हुए ब्रेन तक वो हम पढ़ेंगे कि कितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें सो ये सेंट्रल ब्रांच के एंड्स पर ये क्या है एग्जोन टर्मिनल नाउ जो इंफॉर्मेशन है वो कौन सेंस करेगा नोसी सेप्टर्स नोसी सेप्टर पेन को सेंस करेगा और उसको कहाँ तक भेजेगा इस साइड सेंट्रल ब्रांच के थ्रू एक्जोन टर्मिनल तक और एग्जॉन टर्मिनल देन आगे फर्दर इंफॉर्मेशन देगा सेकेंड न्यूरोन को सो so, ये क्या है नोसी सो दिस इज क्लियर इस तरह से होता है हम आगे अब डायग्राम बनाएंगे पेन पाथवे बनाएंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में देन ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं प्रेजेंट इन स्किन स्किन में प्रेजेंट होते हैं सुपरफिशियल टिश्यूज में मसल्स में बोन्स में टेंडन लिगामेंट्स में ब्लड वेसल्स में भी ऑल ऑर्गन्स में एक्सेप्ट ब्रेन ब्रेन में ये प्रेजेंट नहीं होते लेकिन ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ प्रेजेंट नोसे सेप्टर्स होते हैं नाउ ये जो न्यूरॉन्स हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं फर्स्ट है ए टाइप एंड सेकेंड है सी टाइप तो जो ए टाइप है उसको क्या बोलते हैं ए डेल्टा जो कि क्या होते हैं माइलिनेटेड होते हैं माइलिनेटेड मतलब अगर आपको न्यूरॉन का डायग्राम याद है तो न्यूरॉन के जो एक्ज़ोन है वहाँ पर माइलिन शीत प्रेजेंट होती है सो जिन एक्ज़ोन पर माइलिन शीत प्रेजेंट होती है इस तरह से उन न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं माइलिनेटेड सो so, ये ये ए टाइप जो है ये क्या है माइलिनेटेड है माइलिन शीत का क्या काम होता है माइलिन शीत इंफॉर्मेशन को फास्ट ट्रांसफर करती है फास्ट ट्रांसफर होने में माइलिन हेल्प करती है तो इंसुलेशन का काम करती है जो सी टाइप है ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं मीन्स इनमें माइलिन शीत प्रेजेंट नहीं होती सो so, ये एक्सोन क्या होंगे विदाउट माइलिन शीत होंगे सो माइलिन शीत नहीं है इसलिए इंफॉर्मेशन इनमें स्लो जाएगी तो जो ए माइलिनेटेड माइलीनेटेड हैं ये इंफॉर्मेशन कैसे लेके जाती है फास्ट पेन की फास्ट पेन का मतलब है कि जो हमें अगर कट लगा फिंगर पर सो सबसे पहले जो शार्प पेन फील होती है कट लगते ही जो पॉइंट वन सेकेंड्स के लिए कुछ सेकेंड्स के लिए हमें शार्प पेन फील होती है कट लगते ही वो फास्ट पेन उसको बोलते हैं फास्ट पेन तो उस फास्ट पेन को कौन लेके जाता है ब्रेन तक ए डेल्टा माइलिनेटेड न्यूरोन्स राइट और जो सी टाइप है ये स्लो पेन मतलब अब कट लगने के बाद जो वन सेकेंड के बाद जो हमें स्लो पेन होती रहती है काफ़ी टाइम तक वो सी टाइप के जो न्यूरॉन्स हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन वो लेकर जाते हैं इन इन्फॉर्मेशन को तो जो ए माइलिनेटेड न्यूरॉन हैं अब ये फास्ट क्यों लेकर जा रहे हैं माइलिन शीत की वजह से तो ये फास्ट पेन हमें फील करवाते हैं जो फर्स्ट पेन होता है सबसे फर्स्ट पेन कट लगते ही या फिर आप एक्यूट पेन बोल सकते हैं पॉइंट वन सेकेंड के लिए जो पेन होता है वो कौन लेकर जाता है ए माइलिनेटेड न्यूरोन्स तो ये फास्ट पेन में हेल्प करते हैं ये वेल well लोकलाइज होते हैं लोकलाइज uh, का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह का हमें बताते हैं लाइक यहाँ पर कट लगा तो हमें पर्टिकुलरली पता होता है लोकलाइज पेन होती है वहाँ पर और ये क्या है शार्प पेन को फील करते हैं जो सी नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन्स होते हैं ये स्लो पेन जो पॉइंट वन सेकेंड के बाद आफ्टर पॉइंट वन सेकेंड जो हमें पेन होती रहती है वो सी नॉन माइलिनेटेड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन्स के कारण होती है सो so ये क्या होती है पुअरली लोकलाइज्ड अब जो बाद में जो पेन होती है वो एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं बताती पुअरली लोकलाइज्ड होती है थ्रॉबिंग पेन होती है और बर्निंग पेन होती है ये सो so ये टू टाइप्स के नोसीसेप्टर्स के जो नर्व फाइबर्स हैं वो हैं नाउ नेक्स्ट इज डैमेज टिश्यू जो टिश्यू डैमेज हुआ, हुआ है चाहे वो सुपरफिशली हुआ है बोन में हुआ है ऑर्गन में कहीं टिश्यू डैमेज हुआ है तो वो डैमेज टिश्यूज कुछ सब्सटेंसेस चांसेस करते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंड हिस्टामिन, एटीपी ब्रेडिक आइनिन एंड एच पॉजिटिव आयन्स सो ये सब क्या करते हैं इन नोसी को स्टिमुलेट करते हैं स्टिमुलेट नोसिस एप्टर सो ये नोसिस एप्टर तभी स्टिमुलेट होते हैं जब ये सबस्टांसिज रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये नोसिसप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं एंड एक जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन वो देन आगे न्यूरोन में ट्रांसफ़र होती है नाउ ये जो स्टिमुलस है नोक्शियस स्टिमुलस हैं जो कि पेन को फील करवा रहे हैं ये नोक्शियस स्टिमुलस कितने टाइप के हो सकते हैं ये स्टिमूलाई मकैनिकल हो सकती है थर्मल हो सकती है केमिकल हो सकती है नाउ मैकेनिकल स्टिमुलाई क्या हो सकती है जैसे कि ट्रोमा कोई भी इंजरी हो गई जैसे कि सर्जिकल इंजरी भी हो सकती है एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है कट हो सकता है कुछ भी टाइप की जो इंजरी है वो आएगी मैकेनिकल इंजरी में जिससे कि नोसी सेक्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे देन एडिमा ब्लॉकेज कोई भी आर्टरी में वैसल में ब्लॉकेज ट्यूमर फॉर्मेशन मसल्स पास ये सब मैकेनिकल हैं देन थर्मल में आते हैं एक्सट्रीम हीट बहुत ज़्यादा हीट अगर आ, हमारे टिश्यूज़ पर पड़ती हैं तो भी नोसिसेप्टर्स सेप्टर हो जाते हैं पेन होता है या फिर एक्सट्रीम कोल्ड नाउ केमिकल्स में आते हैं टिश्यू इसकीमिया अगर टिश्यू इसकीमिया टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिससे भी जो हमारे नोसी सेक्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं मसल पास में भी अब जैसे कि एक्ूमुलेटेड लैक्टिक एसिड एक केमिकल है जिससे पेन होती है देन ब्रेडिक और इस तरह के कई केमिकल्स हैं जैसे कि जो गैस्ट्रिक एसिड है हमारा अगर वो एक्सेसिवली सिक्रिएट हो जाए अंदर अल्सर्स हो जाते हैं सो बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो नोसी सेक्टर्स हैं

स्पाइनल कोड से होते हुए ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है न्यूरॉन्स के थ्रू ही ब्रेन क्या करता है पेन को सेंस करता है जब ब्रेन पेन को सेंस करेगा तो वो क्या भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन वापस भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन देन स्पाइनल कोड से होते हुए दोबारा से हमारे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक जाती है फॉर रिएक्शन ताकि हमारी बॉडी पार्ट उसके लिए रिएक्ट करे वही एग्जाम्पल है जैसे हमने गर्म चीज़ को टच किया तो गर्म चीज़ से इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरोन के थ्रू हमारे ब्रेन

सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ए टाइप के जो नर्व फाइबर्स हैं मीन्स माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ये कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रिएट करते हैं ये ग्लूटामेट के थ्रू कन्वर्जेसन uh, करते हैं आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं तो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर ही सिक्रिएट करते हैं जो सी टाइप के हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ये सबस्टैंस पी रिलीज करते हैं सो so, मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि जो जनरल पेन पाथवे हैं उसमें बेसिकली थ्री न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं सो so, उन थ्री न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे सो so दैट जो जनरल पेन फिजियोलॉजी और पाथवे है वो आपको क्लियरली समझ आ जाए सो so, इसमें थ्री न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरोन सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है सो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर रेड कलर से ड्रा किया है सो ये रेड कलर से ये जो न्यूरोन है ये न्यूरोन की सेल बॉडी है और ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है ये सेल बॉडी है एंड ये इसकी एक्जोन ब्रांचेज निकल रही हैं सो so, ये जो न्यूरोन होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूरोन होता है हमने जो अभी भी न्यूरॉन्स पढ़े हैं पहले उसमें हम देखते हैं आ, कि सिंपली यहाँ पर सेल बॉडी होती है यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं एंड एक एक्ज़ोन होता है एक्ज़ोन टर्मिनल्स होते हैं राइट बट ये जो एग्जोन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कैसे आ, कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है ये स्यूडो यूनिपोलर न्यूरोन है स्यूडो यूनिपोलियर न्यूरोस वो होते हैं विच हैव नोसी सेप्टर्स एंड सेल बॉडीज विद इन द डोरसल रूट गेंगलियोन दे हैव वन एग्जोन विद स्प्लिट्स इन टू टू ब्रांचेस फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो स्यूडो यूनिपोलियर न्यूरोस होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं सेंसरी न्यूरोस होते हैं सेंसरी न्यूरोस का मतलब है कि जो हमारी बॉडी से सेंसेस को ब्रेन तक लेकर जाते हैं तो ये सेंसरी न्यूरोन्स पेरीफ्री से सेंसेस को रिसीव करेंगे पेन सेंसेस को रिसीव करेंगे उसके बाद ये जो सेंसरी न्यूरोन है सीडोपोलर न्यूरोन या फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन इसके जो एक्जोन है इसकी एक्जोन टू ब्रांचेज में डिवाइड होती है सो वन ब्रांच ये हो गई एंड सेकेंड ब्रांच ये है तो इसका जो एक्जोन है वो टू ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है जिसकी जो एक ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं पेरीफेरल ब्रांच सो ये वाली जो ब्रांच है ये क्या है पेरीफेरल ब्रांच मैंने पहले भी बताया था सो so, जो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरोन्स होती हैं इनकी एक पेरीफेरल ब्रांच होती है तो इनका एक् दो में स्प्लिट होता है एक पेरीफेरल ब्रांच विच एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द पेरीफ्रीज सो ये पेरीफेरल ब्रांच क्या करती है हमारे जो पेरीफेरल स्ट्रक्चर्स हैं टिश्यूज़ हैं ऑर्गन्स हैं वहाँ से सेंसेस को रिसीव करती हैं सो पेरीफेरल ब्रांच के ये एंड्स पर ये क्या होती है दीज आर प्टर्स नोसी सेप्टर्स मीन पेन रिसेप्टर्स जो कि पेन को सेंस करते हैं सो so ये पेरीफेरल ब्रांच है जो दूसरी ब्रांच है दिस साइड ये क्या है ये सेंट्रल ब्रांच है सो so ये एक इसकी पेरीफेरल ब्रांच होती है एंड अ सेंट्रल ब्रांच दूसरी सेंट्रल ब्रांच होती है सेंट्रल ब्रांच कहा जाती है एक्सटेंड सेंट्रली इनटू द स्पाइनल कोड सो ये जो सेंट्रल ब्रांच है ये स्पाइनल कोड के पास जाएगी राइट सो दिस इज अबाउट द स्यूडो यूनिपोलर न्यूरोन या फिर सेंसरी न्यूरोन या फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन नाउ ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है इसकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं सेल बॉडी ये कहाँ पर होती है डोर्सल रूट गेंगलियोन में सो डोर्सल रूट गेंगल्योन क्या है अगर आपको याद है स्पाइनल uh, कोड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्पाइनल कोड का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें ग्रे मैटर सेंटर में होता है एच या फिर बटरफ्लाई शेप में सो so, ये क्या है सेंटर में ये सारा ग्रे मैटर है और ये साइड्स में ये क्या है ये व्हाइट मैटर है तो इंटरनली स्पाइनल कोड में ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है एंड एक्सटर्नली वाइट मैटर प्रेजेंट होता है सो so, जो ग्रे मैटर है वो हॉर्न्स में डिवाइडेड होता है जो दिस साइड ये क्या है पोस्टीरियर साइड और ये है एंटीरियर साइड सो पोस्टीरियर को डोर्सल साइड भी कहते हैं एंटीरियर को वेंटरल साइड भी कहते हैं सो so, जो पोस्टीरियर साइड ये जो हॉर्न है इसको बोलते हैं डोर्सल हॉर्न सो ये जो डोर्सल हॉर्न है यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होता है डोर्सल रूट गेंगलियॉन सो so, ये जो डोर्सल रूट गेंग्लियोन है यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है उसकी सेल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है सो सेल बॉडीज लाइज विद इन द डोर्सल रूट गेंग्लियोन ऑफ द स्पाइनल कोड सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन दैन सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन आता है मीन्स जो सेकेंड न्यूरोन है अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन ने नोसी सेक्टर से इंफॉर्मेशन ले ली सेंस कर ली अब ये जो नोसी सेक्टर्स है ये नोसी सेक्टर्स यहाँ पर डेंड्राइड्स की तरह वर्क कर रहे हैं डेंड्राइड जो कि इंफॉमेशन को कैच uh, करेगा एंड देन आगे ट्रांसफर करेगा सो so यहाँ से नोसी सेक्टर ने इंफॉर्मेशन ले ली है वो इन्फॉर्मेशन को एक्जोन के थ्रू देन एक्जोन टर्मिनल के पास लेकर जाएगा अब ये जो है ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन जिसने इंफॉर्मेशन लेके गया अब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन सेकेंड न्यूरोन को इंफॉर्मेशन देगा सो ये सेकेंड न्यूरोन कौन सा है ये है सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन ये ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है नाउ सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन क्या है सेल बॉडीज ऑफ दीज न्यूरो आर फाउंड इन सेल बॉडीज ऑफ दीज न्यूरोन्स आर फाउंड इन रेक्सिट ऑफ स्पाइनल गोड नाउ ये जो स्पाइनल कोड का ये जो डोर्सल होन है मीन्स जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कोड का ये वाला यहीं पर रैक्सेट लेमिना है जहाँ पर ये सेल बॉडी प्रेजेंट है सेकेंड न्यूरोन की सो so, ये सेकेंड न्यूरोन की सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन की ये सेल बॉडी है जो कि स्पाइनल कोड के ग्रे मैटर में रैक्सेट लेमिना में प्रेजेंट है एंड देन डेकुसेट इन द एंटीरियर वाइट कमीशन एंड असेंट्स क्रेनली इन द स्पाइनो ट्रैक टू द थैलमस अब इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन है इसकी सेल बॉडी कहाँ पर है ग्रे मैटर में लाई कर रही है डोरसल होन में लाई कर रही है अब ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन है जो इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ से ली है हमने राइट साइड से अब सपोज राइट साइड का जो हमारा राइट right हैंड है वहाँ पर किसी ने पिंच किया या इंजरी हुई तो राइट right साइड से इंफॉर्मेशन ली गई राइट right हैंड से अब राइट right हैंड से इंफॉर्मेशन गई है और ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये इंफॉर्मेशन लेकर राइट साइड के जो डोर्सल होन है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर ये फर्स्ट क्या करेगा एंटीरियर कमीशन ये जो एंटीरियर वाइट कमीशन है सो so जो सेंट्रल सल्कस के जो आगे वाला पार्ट है क्योंकि ये एंटीरियरली लाई कर रहा है तो ये क्या है एंटीरियर वाइट कमीशन तो ये यहां से निकलते हुए ये क्रॉस ओवर कर जाएगी लेफ्ट साइड पर सो so ये जो सेकेंड न्यूरॉन है स्टार्ट कहां से हुआ था राइट right साइड से लेकिन ये क्रॉस ओवर मीन्स डेक्यूसेट हो गया कहाँ पर लेफ्ट साइड पर तो इट मीन्स कि जो राइट right हैंड की इंफॉर्मेशन है वो हमारे लेफ्ट साइड के ब्रेन तक जाएगी क्योंकि ये अब लेफ्ट साइड से कहाँ जाएगा सीधा ब्रेन तक क्रेनियम तक तो इट मीन्स अगर लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन है तो वो कहाँ जाएगी राइट साइड ऑफ द ब्रेन तो ये ऑपोजिट होता है तो अब ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये यहां से क्रॉस ओवर होकर देन कहा जाएगा स्पाइनल कोड से ये जा रहा है थैलमस के पास तो ये जाता है थैलमस तक ये जो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं

इन ट्रैक स्पाइनो ट्रैक इसको बोलते हैं सो दिस इज इजमिक ट्रैक स्पाइनोथेलमिक का मतलब है स्पाइनल कोड ये स्पाइनल कोड है और यहां से कहां पर जा रहा है ये थैलमस के पास इसलिए ये क्या है स्पाइनोथेलमिक ट्रैक सो so, ये स्पाइनल थैलेपिक ट्रैक का मतलब है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन है ये स्पाइनल कोड से डेक्यूसेट होकर ये कहाँ तक जाता है टू द थैलेमस सो ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन के बारे में है अब हम थर्ड ऑर्डर न्यूरोन के बारे में पढ़ते हैं सो थर्ड ऑर्डर न्यूरोन थर्ड ऑर्डर न्यूरोन की जो सेल बॉडीज़ हैं ऑफ थर्ड ऑर्डर न्यूरोन लाइज विद इन द वेंट्रल पोस्टीरियोलेट्रल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस नाउ ये क्या है थैलेमस हमारा नाउ थैलेमस के ये कहाँ पर लाई कर रहा है अब ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन है ये यहाँ पर एंड हो गया ये यहाँ पर एंड हो रहा है इसके जो एक्जोन टर्मिनल है यहाँ पर एंड हो गए अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन ने थर्ड ऑर्डर न्यूरोन को इंफॉर्मेशन देनी है थर्ड ऑर्डर न्यूरोन आगे इंफॉर्मेशन सेंड करेगा सो so, ये यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन एंड हो गया है और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरोन की ये जो सेल बॉडी है ये कहाँ पर लाई कर रही है थैलमस के अंदर ही लाई कर रही है और थैलेमस में भी कहाँ पर वेंट्रल पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस थैलमस uh, के अंदर न्यूक्लियस होती है न्यूक्लियस का मतलब क्या है अगर हम ब्रेन में न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ब्रेन में जो अंदर सेल बॉडीज प्रेजेंट है तो ये कहाँ पर है वी न्यूक्लियस जो है वेंटीरो पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस थैलमस के अंदर ये प्रेजेंट होता है वहां पर थर्ड ऑर्डर न्यूरोन की जो सेल बॉडी है वो प्रेजेंट होती है देन एंड टर्मिनेट इन द पोस्ट पोस्ट सेंट्रल गायरस प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉटेक्स अब ये यहां से स्टार्ट होकर वीपीएल जो न्यूक्लियस है थैलेमस का थर्ड ऑर्डर न्यूरोन यहां से स्टार्ट होकर इंफॉर्मेशन कहां तक लेकर जा रहा है ये क्या है ये ब्रेन है पूरा तो ये ब्रेन का जो आउटर पार्ट है ये वाला पार्ट ये क्या है ये कॉर्टेक्स है ब्रेन का तो ब्रेन का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो कि पोस्ट सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस में सोमेटो सेंसरी कॉटेक्स प्रेजेंट होता है और सोमेटो सेंसरी काटेक्स का क्या मतलब है कि जितनी भी सेंसेस होती हैं हमारी बॉडी की वो सोमेटो सेंसरी कॉटेक्स परसीव करता है तो ब्रेन का ये पार्ट है इसलिए हमें पता लगता है कि हमें पेन हो रहा है तो ये जो थर्ड ऑर्डर न्यूरोन है ये इंफॉर्मेशन सेंसरी कॉटेक्स के पास ले लेकर जाता है एंड यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है सोमेटो सेंसरी कॉटेक्स का ये जो एग्जोन टर्मिनल है यहाँ पर एंड हो जाता है सो so, ये जो सोमेटो सेंसरी काटेक्स है ये दिस साइड वाला जो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है ये लेफ्ट साइड है और दिस साइड राइट साइड है तो लेफ्ट साइड का जो सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है यहाँ पर लेग्स होगी ट्रंक होगी फेस का होगा नी आ, हमारे टंग का होगा सो तो सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट है, है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में सो so, जिस भी एरिया में हमें पेन हुई है तो उस एरिया में ये थर्ड ऑर्डर न्यूरोन जाकर इंफॉर्मेशन छोड़ जाता है लेकिन ऑपोजिट साइड में जैसे कि अगर राइट right हैंड में प्रॉब्लम थी राइट right हैंड में पेन हुई तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन से देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन से देन थर्ड ऑर्डर न्यूरोन से लेफ्ट साइड के हैंड में तो राइट right साइड के हैंड में हमारे पेन हुई थी और ब्रेन का जो लेफ्ट साइड का सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स है लेफ्ट साइड जो हैंड का कॉर्टेक्स एरिया प्रेजेंट है वहाँ पर इंफॉर्मेशन जाएगी तो ऑपोजिट साइड में जाएगी तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर नी सेकंड सेकेंड ऑर्डर नी एंड थर्ड ऑर्डर नहीं अब मैं आपको पाथवे समझा दूंगी तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ जनरल पेन फिजियोलॉजी सो जो जनरल पेन फिजियोलॉजी है उसका क्या प्रोसेस है इसमें फोर आते हैं बेसिकली फोर प्रोसेस फर्स्ट इज ट्रांसडक्शन सेकेंड इज ट्रांसमिशन थर्ड परसेप्शन एंड फोर्थ मॉड्यूलेशन बहुत ही ईजी है चारों प्रोसेस इससे क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा कि हमारे जो पेरेफ्रीज हैं उनसे पेन सेंसेशन कैसे ब्रेन तक पहुँचती है सो so, फर्स्ट आता है ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन का मतलब होता है पेन स्टिमुलाई इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिस स्टिमुलस सेंड्स एंड इम्पल्स अक्रॉस अ पेरीफ्रल नर्व फाइबर सो सबसे पहले जो पेन स्टिमुलाई है पेन स्टिमुलाई कौन रिसेप्ट रिसीव करेगा ये जो नोसी no सेप्टर है जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन फाइन ये रेड कलर का सो so, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन के जो नोसी सेप्टर है जो पेरिफेरल ब्रांच के आगे इसके नोसी सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेन को रिसेप्ट करते हैं पेन को सेंस करते हैं रिसीव करते हैं सो so, जो नॉक्शियस स्टिमुलाई होती है जो डैमेज टिश्यूज़ हैं वो केमिकल्स रिलीज करेंगे उन केमिकल्स को ये जो नोसी सेप्टर्स है ये रिसीव कर लेगा अब इन केमिकल्स को रिसीव करके ये जो स्टिमुलाई है उसको रिसीव करके ये जो स्टिमुलाई है किस में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में सो पेन स्टिमुलाई इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फर्स्ट कन्वर्ट होती है और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या बोलते हैं ट्रांसडक्शन सो ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन अब ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई एकर दिस फर्स्ट न्यूरोन जाएगी सो so, ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई यहाँ से पेरिफ्रल ब्रांच है देन सेंट्रल ब्रांच में और यहाँ पर ये डोरसल होन में ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन टर्मिनेट हो जाता है सो दिस स्टिमुलस सेंड्स एन इम्पल्स पेरिफेरल नर्व फाइबर सो ये जो पेरिफेरल नर्व फाइबर है मीन्स ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है या फिर इसको एफरेंट नर्व फाइबर भी कह सकते हैं एफरेंट मतलब जो असेंड कर रहा है मीन्स जो ब्रेन तक हमारे बॉडी पार्ट से जो सेंसेशन ब्रेन तक लेकर जा रहा है वो क्या है सेंसरी न्यूरो है एफरेंट नर्व फाइबर्स भी उनको बोलते हैं या फिर असेंडिंग न्यूरोन भी बोल सकते हैं क्योंकि वो ब्रेन की तरफ असेंड कर रहा है सो so, बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है सेंसरी न्यूरोन क्या

ट्रांसमिट होगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन में एंड देन फर्दर फर्दर वो जाएगा सो so, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन अब सेकंड प्रोसेस क्या है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन क्या होता है एक न्यूरो से दूसरे न्यूरोन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना सो ए डेल्टा फाइबर्स हमने दो तरह के फाइबर्स पढ़े थे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड या फिर अनमाइलिनेटेड सो ए डेल्टा फाइबर्स क्या है माइलिनेटेड है मैंने पहले भी बताया था ये शार्प सेंसेशन जो फर्स्ट फास्ट पेन होता है फास्ट पेन मतलब जैसे ही कट लगा जैसे ही हुई जो हमें इनिशियली पेन फील होता है कुछ सेकेंड्स के लिए वो क्या होता है शार्प पेन और फास्ट पेन और उस पेन को कौन ट्रांसमिट करता है ए डेल्टा फाइबर्स राइट right? सो so, ये लोकलाइज पेन हमें बताता है कि पेन एक्जैक्टली यहाँ पर हुआ है यहाँ पर इंजरी हुई है एंड डिस्टिंग सेंसेशन हमें क्लियरली जो सेंसेशन है वो शार्प फील होती है सो फास्ट पेन ए डेल्टा फाइबर्स ट्रांसमिट करते हैं देन आते हैं सी फाइबर्स सो सी फाइबर्स क्या होते हैं अनमाइलिनेटेड होते हैं वो कौन सी पेन ट्रांसमिट करते हैं स्लो पेन रिले इम्पल्सिस विच आर पुअरली लोकलाइज सो ये उन इम्पल्सिस को पास करते हैं जो पुअरली लोकलाइज होती है मीन्स जो फास्ट पेन होता है वो इनिशियली फील होता है कुछ सेकंड्स के लिए सो पॉइंट वन सेकेंड के बाद जो हमें फील होता है जो कि स्लो पेन होता है कंसिस्टेंट पेन होता है बाद में जो फील होता है वो सी फाइबर्स की वजह से फील होता है क्योंकि वो अनमाइलिनेटेड होते हैं उसमें माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती इसलिए सो so, ये क्या होते हैं पुअरली लोकलाइज इसकी लोकेशन क्या होती है पुअरली लोकलाइज्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एक स्पेसिफिक लोकेशन जो हमें बताती है लोकलाइज वो ए डेल्टा फाइबर्स बताते हैं देन ये जो सेंसेशन होती है बर्निंग होती है एंड परसिस्टेंट पेन होता है ये लगातार हमें थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो पेन होता रहता है सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन क्या करेंगे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन वाया न्यूरो ट्रांसमीटर टू सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन अब यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर का रोल है जब भी कोई न्यूरोन दूसरे न्यूरोन को इंफॉर्मेशन देता है मैं आपको समझाने के लिए वर्ड्स यूज कर रही हूँ सो जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन कौन सा है अब ये ब्लू वाला सो so, ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन को अब इसने इंफॉर्मेशन देनी है इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ये दोनों न्यूरोन आपस में क्या करेंगे सिनेप्स सो so, ये इस पर्टिकुलर एरिया में मीन्स डोर्सल होन में क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन के साथ सिनेप्स करता है सिनेप्स का मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का जो एक्सोन टर्मिनल है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है डेंड्राइट्स हैं यहाँ से एक्सोन से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के सेल बॉडी में राइट सो सिनेप्स के टाइम पर क्या होता है न्यूरो रिलीज होते हैं तो यहाँ पर भी सॉरी uh, ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है ये यहां पर न्यूरो रिलीज करेगा राइट अब जो मैंने बताया था कि जो फास्ट पेन वाले न्यूरो ट्रांसमीटर्स है मीन्स जो ए डेल्टा फाइबर्स है वो कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रिएट करते हैं ग्लूटामेट और अगर हम बात करें कि स्लो फाइबर्स, स्लो फाइबर्स कौन से है सी फाइबर्स ये कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर्स uh, करते हैं दैट इज सबस्टांस पी तो यहां पर न्यूरो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन ने सिक्रीट कर दिए अब ये जो न्यूरो है इनको रिसीव कौन करेगा सेकेंड ऑर्डर राइट सो so, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ने इस न्यूरो को रिसीव कर लिया सो so, ये ब्लू वाला जो है अब ये जो ब्लू मीन्स सेकेंड ऑर्डर यूरोन है ये डेकोसेट करेगा मीन्स क्रॉस ओवर होगा दूसरी साइड अब जो राइट राइट हैंड में इंजरी हुई थी पेन हुई थी राइट right हैंड से जो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये जो न्यूरोन है सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन ये डेकोसेट करता है मीन्स ऑपोजिट साइड में क्रॉस ओवर होता है एंड देन ये असेंड करेगा थैलेमस की तरफ सो so ये है सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन इसी तरह से ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन सिनेप्स करेगा थर्ड ऑर्डर न्यूरोन के साथ एंड उसको भी न्यूरो आगे ट्रांसमिट करेगा सो so ये क्या है ट्रांसमिशन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन है वो ट्रांसमिट करेगा इन्फॉर्मेशन वाया न्यूरो ट्रांसमीटर टू सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन एंड फर्दर जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरोन को नाउ थर्ड आता है यहाँ पर परसेप्शन अब परसेप्शन क्या होता है परसेप्शन मतलब होता है परसीव करना अब पेन को हम तभी परसीव कर सकते हैं जब ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी हमारे ब्रेन में और ब्रेन के भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कहाँ पर सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया में जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो हम पेन को परसीव करेंगे सो so, ये है पर्सन इज अवेयर ऑफ पेन सोमेटो सेंसरी काटेक्स आइडेंटिफाइज देयर लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन अब परसेप्शन का मतलब क्या होता है पर्सन इज अवेयर ऑफ पेन जब पर्सन अवेयर हो जाता है पेन के लिए और वो अवेयर कब होता है जब इंफॉर्मेशन जाती है सोमेटो सेंसरी काटेक्स के पास नाउ सोमेटो सेंसरी काटेक्स के पास जो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है वो ये ग्रीन वाला न्यूरोन है विच इज़ द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन सो so, ये इंफॉर्मेशन अब जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन है वो टर्मिनेट हो गया था कहाँ पर थैलेमस में सो वी पी एल न्यूक्लियस में टर्मिनेट हो गया था थैलेमस के और थर्ड ऑर्डर न्यूरोन वहाँ से स्टार्ट हुआ है थर्ड ऑर्डर न्यूरोन की सेल बॉडी सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन के जो एक्जोन टर्मिनल है उनसे न्यूरो को रिसीव करके कहाँ लेकर जाएगी सोमेटो सेंसरी काटेक्स जो सेरिब्रल कॉटेक्स का जो एरिया है सोमेटो सेंसरी काटेक्स वहाँ पर लेकर जाएगी सो सोमेटो सेंसरी काटेक्स में भी डिफरेंट पार्ट्स के एरियाज़ होते हैं हैंड का अलग होता है ट्रंक का अलग होता है लेग का अलग होता है फेस का अलग होता है सो so, ये सभी एरियाज यहाँ पर बने हुए हैं लेकिन अगर राइट right साइड में इंजरी हुई है तो ब्रेन के कौन से एरिया में जाएगी लेफ्ट साइड में सेंसेशन जाएगी लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन जाएगी इसी तरह से अगर लेफ्ट साइड में कहीं पेन हो रहा है तो वो इंफॉर्मेशन राइट साइड में जाएगी ओके okay. सो so, आगे क्या है पर्सन अनफोल्ड्स अब एक बार सेंसेशन वहां पर पहुंच गई तो उसके बाद क्या करता है पर्सन अनफोल्ड अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसके बाद पर्सन रिएक्शंस करता है उसके लिए रिएक्ट करता है फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स इज परसिव तो उसके लिए फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर रिस्पॉन्स इमोशनल रिस्पॉन्स उस पेन के लिए शो करता है सो so, उसके लिए अलग पाथवे हैं वो हम थोड़ा सा देख लेंगे बाद में बट जो मेन जनरल पाथवे है वो यही वाला है then uh, response is perceived from thalamus to somatosensory cortex. so perception क्या है? Perception तब होगी जब thalamus से somatosensory cortex के पास information जाएगी via third neuron. now last आता है modulation. अब यहाँ तक का जो process है transduction, transmission, perception. यहाँ तक हम pain को perceive करते हैं brain तक information चली गई हमारे periphery से neurons के through. अब modulation क्या होता है? बिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक एंडोजिन वाया डिसेंडिंग न्यूरॉन्स। अब मॉड्यूलेशन का मतलब है कि हमारे जैसे बॉडी है हमारी बॉडी में नेचुरल सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं पेन हो रहा है तो हमारी बॉडी में नेचुरल एनालजेसिक सिस्टम है एनालजेसिक सिस्टम मतलब पेन किलर सिस्टम है हमारा ब्रेन नेचुरली कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करता है जब पेन होती है जैसे कि ओपियोइड्स ओपियोइड्स क्या होते हैं ओपियोइड्स नेचुरल पेन किलर्स हैं ओपियोइड्स जैसे कि मोरफिन ये एनालजेसिक्स हैं पेन को कम करते हैं सो मॉड्यूलेशन यही प्रोसेस है जब पेन एक बार परसीव हो जाती है हमारे ब्रेन में तो इनिबिटरी न्यूरो रिलीज होते हैं ये इनिबिट्री न्यूरो क्या है एंडोजेनस ओपियोइड्स का मतलब है कि जो हमारे ब्रेन में नेचुरली ओपियोड से होते हैं हमारे जो सेरिब्रल कॉटेक्स हैं यहाँ पर नेचुरली ओपोइड सिक्रिएट होते हैं ओपियोड्स कौन से हैं जैसे कि एंडॉरफिन एंड एनकेफलिन और ये वायर डिसेंडिंग न्यूरोन अब डिसेंड descend... ये सब न्यूरोन्स कौन से थे जो पेन वाले न्यूरोन्े पेन के सेंसेशन ऊपर लेकर जा रहे थे ये सभी असेंडिंग न्यूरोस हैं क्योंकि ये हमारे पेरेफ्री से हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं स्पाइनल कोड से होते हुए सो तो ये असेंडिंग एसेंड ascend कर रहे हैं अब ये जो ओप्योइड्स वाले ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये डिसेंडिंग न्यूरोन की आ, वाया डिसेंडिंग मतलब जो आप ब्रेन से नीचे आएंगे स्पाइनल कोड से उनको बोलते हैं डिसेंडिंग जो नीचे डाउनवर्ड मोशन में आ, फ्लो करेंगे उन न्यूरोन्स के थ्रू ओपियोइड्स रिलीज किए जाएंगे ताकि जो पेन का लेवल है वो कम हो जाए पेन में रिलीफ मिले सो so, ये भी थ्री न्यूरोन्स के थ्रू ही होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से न्यूरोन आता है सेल बॉडी से यहाँ पर सेल बॉडी है वो रिसीव कर लेगी इन न्यूरोन्स को एंड देन ये उसका एग्जॉन टर्मिनल फर्स्ट ब्रेन स्टेम में ये एग्जॉन टर्मिनल फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन एंड होगा देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन यहाँ से स्टार्ट होगा देन मेडुला में सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन एंड होगा और यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरोन क्या करेगा यहाँ पर अपने न्यूरो को रिलीज कर देगा न्यूरो कौन से हैं ओप्योइड्स और ये न्यूरो ट्रांसमीटर सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन के साथ यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा और सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन इन न्यूरो को रिसीव कर लेगा जिससे क्या होगा पेन का थ्रेश कम हो जाएगा और पेन में रिलीफ मिलेगा सो so, जो मॉड्यूलेशन है वो क्या है नेचुरल एनालजेसिक पाथवे है जिससे पेन में शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है और ये जो ट्रांसडक्शन ट्रांसमिशन परसेप्शन है ये क्या है ये हमारा पेन का जनरल पाथवे है इस तरह से हमें पेन परसीव होती है सो so, अभी हमने डिस्कस किया स्पाइनोथैलमिक ट्रैक के बारे में या फिर स्पाइनोथैलमिक पाथवे के बारे में जो कि जनरल पेन पाथवे हैं मेन स्पाइनल कोड से होते हुए इंफॉर्मेशन हमारी पेरेफ्री से पहले इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन रिसीव कर रहे हैं देन स्पाइनल कोड से होती हुई इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाती है थैलेमस से एंड थैलेमस से देन हमारा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स पर जाती है इसको बोलते हैं स्पाइनोथैलमिक ट्रैक सो so, एक और ट्रैक होता है इसके साथ ही आ, साथ में ही एग्जिस्ट करता है दैट इज स्पाइन रेटिकुलर ट्रैक्ट नाउ स्पाइन न्यूरॉन होते हैं, पर वो करते हैं. So जो सेकंड ऑर्डर है सेम न्यूरोन सेकेंड ऑर्डर से लेते हैं इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन से देन ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन रन करते हैं साथ में ही कहां पर रेटिकुलर फॉर्मेशन तो ये ब्रेन स्टेम के रेटिकुलर फॉर्मेशन यहाँ तक ये रन करते हैं एंड देन ये सिनेप्स करते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरोन के साथ एंड ये थर्ड ऑर्डर न्यूरोन वही थेडमस से होते हुए कहाँ तक जाता है सोमेटो सेंसरी एरिया जो कि हमारा ब्रेन है वहाँ तक जाता है सो so, इसका रूट क्या होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन असेंड्स टू रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम वहाँ तक ये रन करता है एंड देन थैलमस से होते हुए देन हाइपोथेलमस से होते हुए कॉटेक्स या फिर सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स जो एरिया है वहाँ तक जाता है नाउ स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक का क्या मतलब है ये जो स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक है ये मेमोरी ऑफ पेन में हेल्प करता है कि जो पेन की जो मेमोरी है उसके लिए जो फीड हो जाती है हमारे माइंड में द इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पांस टू पेन जो हम सडन रिस्पांस करते हैं एकदम पेन के लिए इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पांस पेन के लिए फीडबैक uh, हम देते हैं रिस्पोंड करते हैं वो स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक की वजह से होता है नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फेस सो फेस से कैसे पेन सेंसेशन जाती है सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वाया ट्राइजेमिनल नर्व तो फेस की जो नर्व्स है वो क्या है ट्राइजेमिनल नर्व तो फर्स्ट ऑर्डर यूरोन ट्राइजेमिनल नर्व्स के थ्रू कहाँ पर जाते हैं ब्रेन स्टेम में फर्स्ट सो सपोज दिज आर द ट्राइजेमिनल नर्व्स सो फर्स्ट ऑर्डर यूरोन ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू फर्स्ट ब्रेन स्टेम में जाते हैं देन ब्रेन स्टेम में वो स्नैप्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर यूरोन के साथ सो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन ब्रेन स्टेम में स्नैप्स करता है एंड देन वो कहाँ जाता है थैलेमस में फ्रॉम थैलमस थैलमस से होते हुए सो so थैलमस में ये सिनेप्स फिर से होता है एंड देन वो जाता है सोमैटोसेंसरी so कॉन्टेक्स में सो थर्ड ऑर्डर न्यूरोन यहाँ पर फिर से सिनेप्स करेगा थैलमस के साथ जो थैलमस में जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन है उसके साथ एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरोन देन जाएगा सोमैटोसेंसरी so कॉन्टेक्स में सो so, इस तरह से फेस में फर्स्ट जो ट्राई जेमिनल है उसके थ्रू फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन ब्रेन स्टेम में जाता है देन ब्रेन स्टेम में सिनेप्स होता है देन सिनेप्स Uh, उसके बाद थैलेमस में एंड थैलमस से फिर फर्दर सेम प्रोसेस है सो मेटर सेंसरी uh, एरिया तक uh, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन सेंसेशन लेकर जाता है अब विसरा की बात करते हैं विसरा मीन्स जो हमारे ऑर्गन्स हैं पेन सेंसेशन फ्रॉम थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरा सो जो थॉरेक्स के और जो एबडामन के ऑर्गन्स हैं वो अपनी पेन सेंसेशन किस नर्व्स के थ्रू भेजते हैं सिंपेथेटिक नर्व्स या फिर थोरा थोराकॉल्यूम्बर नर्व्स नेक्स्ट आता है ईसोफेगस ट्रैकि एंड फेरिंग्स ईसोफेगस ट्रैकिया विंड पाइप हमारा फेयरिंग्स ये वेगस एंड ग्लोसोफेरजियल नर्वस के थ्रू फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन सेंड करते हैं देन पेल्विक रीजन जो पेल्विक रीजन के हैं डीप पेलविक रीजन वो सेक्रल और या फिर पैरासिम्पथेटिक नर्व्स के थ्रू फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन सेंड करते हैं सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग